माय चैनल इंडियन एक्का बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो ये वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज इस एरिया में मैं पॉन बनाने वाला हूँ यहाँ पे, और आज कजन्स नहीं है तो मेरी हेल्प आज करने वाला है योगेश सदर। से हाय टू एवरीवन, बैठ लो। सो ये वाला पॉन्ड है तो आज इसकी पूरी असेंबलिंग करेंगे, जो योगेश मेरी मदद करने वाला है। और बाकी मैं अब वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा असेंबलिंग करने में टाइम लगेगा, तो इसको जल्दी से असेंबल करते हैं और यहाँ पे लगाना स्टार्ट करेंगे, और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम एग्जैक्टली इस पॉन्ड को क्यों बना रहे हैं। तीन रीज़न है मेरे पास, वो मैं तीन रीज़न आपको बता दूंगा। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला रीज़न, इसमें हमने जाइंट गुरामी डाल दी है और ये दोनों पैरेट फिश इसी में रहेंगे और जाइंट गुरामी के साथ रहेंगे। मे बी मैं एक दो छोटे पैरेट और डाल दूंगा ताकि थोड़ा एक्साइटिंग बाद में, लेकिन मेनली ये तीन बड़े ऑस्कर्स को निकाल रहा हूँ और उसमें डाल रहा हूँ। इनफैक्ट एक ऑस्कर टाइगर ऑस्कर और डाल दूंगा, फिलहाल चार ऑस्कर रखूंगा। तो पहला रीज़न ये है कि इसमें ऑस्कर्स को हम निकाल रहे हैं। ये नहीं हमारी फ्लोरम जो बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल सही चल रही है अभी। और बाकी दूसरा मेन रीज़न जो ये महाशय हैं जो हर बारी बाहर निकल जाते हैं, बाहर आते जाते रहते हैं और हरदम डर बना रहता है कि ये कहीं निकल ना जाए, चला ना जाए, तो इसका मैं ये जो टर्टल का सेटअप है वो मैं अंदर कर दे रहा हूँ ताकि वो आराम से उसके अंदर बना रहेगा। और तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर आराम से एक वाटर बॉडी इगुआना के लिए भी रहेगी। तो चलो जल्दी से हम अब पॉन्ड को सेटअप करना चालू करते हैं। गाइज, योगेश और मैंने अभी पूल का सेटअप कर दिया है। आई मीन ट्रस्ट मी, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, काफ़ी मेहनत लगती है इसको लगाने में, बट हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी अब हम आगे क्या प्लान कर रहे हैं। एज ऑलवेज दिखता बड़ा छोटा है लेकिन इतना बड़ा हो जाता है, ये अच्छा खासा बड़ा है गाइज, आप देख सकते हैं। तो अब मेरा प्लानिंग ये है कि जो वो वाली स्टिक पड़ी हुई है ये स्टिक को मैं ऐसा करूँगा कि ये स्टिक कुछ इस तरीके से जाएगी इसके अंदर, और इसके ऊपर मैं अभी यहाँ पर इस एरिया में या थोड़ा देखता हूँ हल्का सा टेढ़ा करके या इस तरीके से कुछ भी करके, तो यहाँ पे भी उसका प्लेटफॉर्म लगाऊंगा, टर्टल के बास्किंग का प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर स्टिक को रखूँगा ताकि वो आराम से अपना आता जाता रहे और दोनों लोगों को बास्किंग मिलती रहेगी यहाँ पे। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे टर्टल का बास्किंग प्लेटफॉर्म लेके आता हूँ, लगाता हूँ। तो अब यहाँ फिलहाल हम ये निकालने वाले हैं और इसको निकालेंगे यहाँ से। तो गाइस कुछ इस तरीके से ये देखिए मैंने सेंटर में बना दिया है इसका ये बास्किंग प्लेटफॉर्म ताकि वो आराम से जब भी निकले, और मैंने इस बार जानबूझ के साइड में नहीं रखा है ताकि वो चढ़ चढ़ के बाहर, वैसे तो निकल जाएगा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल के भी इधर ही है रूम में, बट स्टिल आई केप्ट इट इन अ सेंटर, आई विल टेल यू व्हाई। और यू गाइस उसको पकड़ो, तो ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अब ये चीज़ जाएगी यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से टर्टल यहाँ पर आ सकता है, और मुझे जब बाद में बास्किंग लगानी होगी तो दोनों नेचुरल सनलाइट यहाँ से आती है तो दोनों को नेचुरल बास्किंग यहाँ पर मिलेगी, और प्लस नहीं भी है तो आर्टिफिशियल बास्किंग के लिए भी ये लाइट मैं कुछ इस तरीके से दोनों को यहाँ पे दे सकता हूँ, तो ये इस तरीके से रहेगा, तो ये इसको भी बास्किंग मिलेगी और इगुआना को भी मिलेगी, तो वो मैं बाद में और अच्छे से फिक्स कर दूंगा, बट ये दोनों पर्पस हो जाएंगे, और इगुआना भी जब भी इसको बाहर आना है तो वो आराम से इसके अंदर आके रह सकता है। तो ये फिलहाल अभी स्टोर्ड वाटर है मैं भर रहा हूँ, और ये जब तक भरने देता हूँ, और चलिए जल्दी से इसके लिए एक टॉप फिल्टर लाना है और एक एक्स्ट्रा टाइगर ऑस्कर लेके आनी है, वो हम लेके आते हैं। तो गाइस निकल रहे हैं, और बाय द वे मेरे साथ साथ अब योगेश को भी काफी इंटरेस्ट आने लग गया है फिशेस विशेस में, है ना। अरे तो
से हाय टू राघवन भाई। तो राघवन भाई के पास आ चुके हैं, कौन सा वाला ले रहे हैं हम लोग? ये वाला फिल्टर। तो ये टॉप फिल्टर लेके जा रहा हूँ बिकॉज बिग साइज है और फिजिबल रहेगा। बाकी इसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। बाकी टॉप फिल्टर आप यहाँ पर नंदिता एक्वेरियम में काफ़ी रखते हैं, लेके जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ले रहा हूँ एक टाइगर ऑस्कर, जैसे कि बताया था कि ऑस्कर पॉन्ड है, तो टाइगर ऑस्कर भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये वाली है टाइगर ऑस्कर, काफ़ी प्यारा पैच है और काफ़ी प्यारा कलर आ रहा है, तो इसको भी लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, निकाल दो इसको। बोला ठीक है, ले दिया। नहीं तो ऐसे स्कूल से आता तो चुपचाप एक एक लेके जाता, तो रोज फिर पापा देखते गाली मारते थे। तो देखे तुम यही करते रहे। ये लग रही है काफी प्यारी। यहाँ पे फिलहाल अभी एरोना और कार भी है। कार लेने की सोच रहा था, बड़ा ऑस्कर्स विल अटैक देम सो आई एम नॉट टेकिंग देम। और ये कटराज और लांच काफी प्यारे हैं। तो चलिए भाई, बोलते हैं हाय, जल्दी मिलते हैं और अपडेट जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, नेक्स्ट ईयर कर देंगे। हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय। ये तो हाय, ये भी निकल गया। अच्छा, इसने वो कर भी, ये ऑस्कर का पानी निकल आएगा, कुछ तो हुआ है अभी। अच्छा, इससे हो गया होगा ये ना। ठीक है भाई, बोल दो प्रेजेंट शेड्यूल। भाई बोलो, इसका पानी टपक रहा है, इसको जल्दी से एक्टिवेट लिए डाल देता हूँ। तो ये हो रही है इसके अंदर एक्टिवेट, और जल्दी से अब मोटर को सेटअप करते हैं। मोटर सोच रहा हूँ यहाँ सेटअप करूँ कि यहाँ वहाँ करना है, शायद बेटर रहेगा, तो भी देखते हैं उसको जल्दी से लगाते हैं। तो गाइज, ये जो आपको पिछली बार दिखाया था, ये बहुत ही यूज़फुल बायोमीडिया फिल्टर्स हैं। तो ये मैं तीन इनमें लगा रहा हूँ, यहाँ से फ्लो जाएगा, प्लस इसके ऊपर ये स्पंज जाएगा, और फिर यहाँ से पानी फिल्टर होगा। तो ये फिल्टर तो सॉर्टेड है। तो ये पूरी बेडिंग लग गई है और इसको असेंबल कर। हमारे इग्वाना माशा खाते हुए आपको दिखाता हूँ मैं, खा रहे हैं। और आई डोंट नो कि गाइस कैमरे में कितना अच्छा है दिख रहा है, बट ये पूरा अब सेटअप हो गया, एक पूरा जन्नत वाला सेटअप। और आराम से चेयर डाल के यहाँ पे बैठो और बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब इसमें ऑस्कर्स को भी जल्दी से ट्रांसफ़र करते हैं और उसको आराम से खाने देते हैं। तो अब इसका आधा पानी निकालते हैं और इसी में फिश को हम निकालना स्टार्ट करेंगे। तो चलो इसको मीन वाइल, जब तक योगेश इसका पानी भरता है, मैं ये पैरासिडोल डाल देता हूँ उसमें, एटलीस्ट दो कैप डाल देता हूँ ताकि कोई पैरासाइट्स का इशू ना हो, कुछ ना हो। प्लस डोंट वरी, वाटर रिसाइकल्ड है, उसमें नहीं किया था बट स्टोर था, तो इट्स ऑल ओके। तो पर ये मैं जल्दी से डाल के आता हूँ। तो चलिए, फिश को निकालने की बारी आ गई है, तो सबसे पहले निकालते हैं पानी निकल। बहुत खतरनाक ताकतवर होती है। बाप रे बाप, पूरा निकल गया नहीं, बस ये तीन तीन, ये ऑस्कर फिश है ना, तो आपको दिखाता हूँ। हालत देखिए क्या कर दिया इन मछलियों ने। और चलिए अब इसको अंदर शिफ्ट करते हैं। गाइस, एक्वेरियम में पता नहीं लगते, यहाँ देखिए क्या साइज है इनका, अच्छा खासा बड़े हैं। और बस अब इनको इसमें डालना हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लुक एट द साइज, ये देखिए साइज देखिए गाइस इनका, अच्छा गो गो, वाह, पॉन्ड की फीलिंग गाइस, इट्स अमेजिंग द वे दे आर गोइंग इनसाइड। आराम से आराम से, ये
एक्वेरियम में जितनी बड़ी नहीं दिखती थी इसमें इतनी बड़ी दिख रही है। यार बार बार मेरे को पानी पिला रही है अपना। इसको भी निकालते हैं, इसका पानी में यूज नहीं करूंगा। कलर गाइस, कलर कितना प्यारा है इस टाइगर ऑस्कर का। गाइस फाइनली इसको भी शिफ्ट कर रहा हूँ और आई थिंक स्पेस है, वी कैन ऐड मोर टू और थ्री ऑस्कर्स और पैरट्स। लेट्स सी, आप कमेंट करें कि ऑस्कर ऐड करूँ कि पैरट ऐड करूँ। और अब टर्टल के बार बार बाहर जाने का ये देखिए मस्त। अब इसके बाहर निकल भी जाएगा तो इसी रूम में रहेगा, कहीं जाने नहीं वाला। चलिए थोड़े से इसके सिनेमैटिक शॉट्स दे देता हूँ ताकि आप इसको एंजॉय करो, फिर हम वीडियो को खत्म करेंगे। ये लग गई है लाइट। तो बेसिकली जब यहाँ से जो सनलाइट आती है तो सुबह आराम से इगुआना भी यहाँ पर आके बैठ जाएगा, टर्टल यहाँ बैठ जाएगा। और जब नहीं है सनलाइट तो ये भी यूवीवी लाइट एक साथ इस लकड़ी पर भी आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है, तो दोनों टू इन वन काम कर गए और प्यारा सा सेटअप बन गया। तो नाउ आई हैव थ्री पॉन्ड्स राइट नाउ। ये हो गया सिर्फ कोई पॉन्ड जो आप देख सकते हैं, और वो स्पेस निकल गया तो और अच्छा खासा उसके पास मतलब वो जो बास्किंग प्लेटफॉर्म लगी जाए तो अच्छा खासा स्पेस मिल गया हमको। और दूसरा पॉन्ड भी रहा ये है जो इसमें सारी फिशेस घूम रही हैं, ये देखिए रेड टर्टल मोली और ये है। और बाकी तीसरा वाला तो आपने अंदर अभी देख ही लिया। तो गाइज ये था ऑस्कर पॉन्ड एंड टर्टल पॉन्ड। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी नहीं ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा आउटकम आएगा, इतना अच्छा मैं डेकोरेशन दे दूंगा। प्रॉब्ली मैं खुद में ज्यादा खुश हो रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बताएं कि ये कौन कैसा लग रहा है। बिकॉज आई गेस आई एम लाइकिंग दिस पॉन्ड मोर देन माई कोई पॉन्ड नाउ, बिकॉज बहुत ही प्यारा यहाँ पर सेटअप हो गया है और सब टू इन वन बन गया है। मैं इसको पहले यहाँ पर आराम से छोड़ देता हूँ। और तो यहाँ पर इगुआना को स्विम करना है तो आ सकता है, एनीवेज मैं उसको अलग से स्विम करवा देता हूँ हरदम, वो कोई इशू नहीं है। बट लेकिन बहुत प्यारा सेटअप हो गया। तो गाइस ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जैसा मैं बता रहा था धीरे धीरे इस रूम में एक और पॉन्ड लाऊंगा, कुछ एक्वेरियम सेक्शंस बनाऊंगा। तो अगर आई मीन आई डोंट नो, प्लीज डू हिट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको ऐसा और भी कॉन्टेंट देखने को मिले। कमेंट करो और इस वीडियो का रीच अच्छा खासा दें ताकि अच्छे खासे आपको इसके और अपडेट्स आएंगे। एंड अपडेट्स मैं देता ही रहूँगा। इनफैक्ट इसमें देखता हूँ पैरट्स ऐड करूँ या आई गेस पैरट्स करने की, क्योंकि सब ऑस्कर्स हो जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो पैरट ऐड करता हूँ, दो पैरट और एक और ऑस्कर ऐड करेंगे इसमें धीरे धीरे, और जब उससे ज़्यादा क्राउडेड नहीं करेंगे। बाकी नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन, ऐसे और भी कॉन्टेंट आता रहूँगा। अभी ज़्यादा ओवरवेल्म हूँ तो पता नहीं मुझे क्या बोलना है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और आसपास जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी, बाय।